अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन पत्थर कबाब की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। आप बोन वाला भी ले सकते हैं, मैंने बोनलेस लिया, इस तरह क्यूब में से कट कर लिया है, देखिए। और मैंने लिया है 2 टेबलस्पून बेसन भर के, आधे कप के बराबर। मैंने लिया है कोथमीर थोड़ी सी, थोड़ा सा पुदीना और 6 से 7 हरी मिर्चें, जिसे मैं बाद में ग्राइंड करूंगी, पीस लूंगी मिक्सी के अंदर। मैंने लिया है एक टेबलस्पून अदरक लहसुन भर के, दही लिया है मैंने 1 कप भर के, देखिए। यहाँ पे मैंने लिया है स्पाइसेस, मैंने लिया 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट, और टेंडराइजर पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। यहाँ मैंने 1/2 लींबू लिया है लेमन, देखो टेंडराइजर पाउडर इस तरीके का होता है, ये गोश्त को अच्छे से गला देता है, चाहे चिकन हो चाहे मटन हो। और मैंने 1 क्यूब चीज लिया है, देखिए। ये पत्थर कबाब पत्थरों पे बनते थे पहले, लेकिन मैं तावे पे बनाऊंगी और थोड़े अपने भी तड़के इसमें लगाऊंगी। देखिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल डाल लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है थोड़ा सा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे बेसन, बेसन को हमें रोस्ट करना है कि ताकि इसकी स्मेल अच्छे से चले जाए और बेसन का कलर 1/2 ब्राउन जैसा हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए आप गैस की फ्लेम लो पे रखिएगा, वरना हमारे बेसन जल्दी काले हो जाएंगे, जल्दी जल जाएंगे। जो चने की दाल की चीजें होती है, चना दाल होता है, वो जल्दी काले हो जाते हैं, इसलिए गैस की फ्लेम को लो पे ही रखिएगा। देखिए हो चुके हैं हमारे बेसन रोस्ट, अब हम मैरिनेट करेंगे हमारे चिकन। देखिए मैंने पुदीना, हरी मिर्ची और कोथमीर को ऐसा दरदरा, ऐसा मोटा मोटा पीस लिया है, क्योंकि उस टाइम पे सील बट्टे पे इसे पीसा जाता था इस तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी मैं, फिर तमाम स्पाइसेस मैं ऐड करूंगी, इलायची पाउडर, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सब मैं ऐड करूंगी इसके अंदर। नमक, अब दही मैं ऐड करूंगी 1 कप भर के, मैंने लिया है गाढ़ी दही लिया है, देखिए मैंने एकदम क्रीमी क्रीमी, ये दही मैंने घर में जमाई है, देखिए कितनी गाढ़ी है। अब मैं इसमें नींबू का रस निचोड़ के डालूंगी आधा इस तरीके से। मैं इसमें थोड़ा अपना भी तड़का लगाने वाली हूँ, क्योंकि उस जमाने में चीज वगैरह नहीं होता था, लेकिन मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें, थोड़ा अपना तड़का लगाने वाली हूँ और एंडिंग में इसे अलग तरीके से तड़का भी देने वाली हूँ। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। देखिए मसाले मैंने डाल दिए, अब मैं ये बेसन, रोस्टेड बेसन है जो, वो मैं ऐड करूंगी, देखिए इस तरीके से। ये जो होते हैं ये बोनलेस के कबाब होते हैं, और इसमें हम ये मिलाएंगे बेसन ना, तो हल्के हल्के मसाले भी होते हैं इसके अंदर। देखिए अब मैं चीज इसके ऊपर ग्रेट कर रही हूँ, ये चीज मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा और फ्लेवर लाने के लिए और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हमारे रेसिपी को। अब मैं हाथों का इस्तेमाल करूंगी इसके लिए, देखिए इस तरीके से हर बोटी को अच्छे से हम मसाज करेंगे, अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। नमक का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है चाट मसाला पाउडर और हमने ऐड किया है चीज, तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा कि ये ज्यादा सॉल्टी नहीं हो जाए। देखिए मैरिनेट हो गए हमारे चिकन, अब हम इसे 4 से 5 घंटा रखे या ओवरनाइट रखे, ये हमारे ऊपर है। मैं इसे रखूंगी ओवरनाइट, आप 4 से 5 घंटा और भी रख सकते हैं। इसमें है टेंडराइजर पाउडर, आप गल सकता है हमारा चिकन पूरी तरीके से। देखिए हो चुका है हमारा मैरिनेशन और हो गया अगला दिन। अब मैं एक तावा लूंगी, देखिए ये है तो है तावा, लेकिन पत्थरों की जैसा दिख रहा है, देखिए इसकी जो शक्ल है वो एकदम पत्थर जैसी है। देखिए अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ऑयल हम ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर। देखिए ऑयल हमारे गरम हो रहे हैं, गरम हो चुके हैं हमारे ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाय 1 हमारा चिकन, एक एक करके थोड़ा थोड़ी दूरी पे हम फैला के रखेंगे, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल ढक के नहीं पकाना है। इसमें टेंडराइजर पाउडर हमने डाला है तो हमारे चिकन वैसे ही गल जाएंगे। देखिए मैं आपको मिलती हूँ पूरा चिकन अच्छे तरीके से इस पे बिछाने के बाद।
देखिए मैंने पूरा चिकन ऐड कर लिया है, अब लास्ट वाला बचा है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए हमारे चिकन की कितने अच्छे से पक रहे हैं ऑयल के अंदर, देखिए। और देखिए हल्का हल्का पानी भी इसमें छूट रहा है, देखिए। अब हमने ढका नहीं है तो भी अपना पानी ये चिकन छोड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर दही है। टेंडराइजर पाउडर जब होता है अदरक लहसुन की गर्मी से, वो चिकन या मटन जो भी है उसको वो अच्छे से गला देता है। चलिए टर्न करके देखते हैं, देखिए एक तरफ से लाइट ब्राउन हो रहा है, और भी चेक करेंगे, जो नहीं हुआ है उसे अलट पलट करेंगे। और इसे अच्छे से सब्र से पकाना है, अच्छे से पकने दीजिएगा ताकि ये थोड़े ब्राउन होने लगे, ऐसा व्हाइट व्हाइट हमें इसे नहीं निकालना है। और इसमें मसाले भी हल्के हल्के होंगे, ये ऐसा नहीं कि एकदम ड्राई होगा, थोड़े थोड़े इसमें मसाले भी जो आपको नजर आ रहे हैं मसाले भी होंगे उसके अंदर। देखिए ये बहुत ही स्पाइसी, खट्टा, तीखा सब होता है, टेस्टी लगता है। देखिए ये मैं टर्न कर रही हूँ, कोई हुआ है कोई नहीं हुआ है, इसे मैं अलट पलट करके बार बार चेक करते रहूंगी। पकने देते हैं हम और फिर हम फिर से चेक करेंगे। देखिए मैं फिर से आ गई हूँ, देखिए वहां से मैं सीजर कर रही हूँ उसे। आप गैस के आधे पोर्शन के गैस के ऊपर, आप देखिए मैंने दो के बीच में अपना ये तावा रखा है। अगर आपके पास एक तावा है तो ये देखिए फ्रंट साइड तावे का अपना इस तरीके से लेके जाइएगा, तो वो सीजर होगा और इसकी स्मेल इसके अंदर आएगी। ये देखिए किस तरीके से पक रहा है हमारा, मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया है। देखिए ये सुकड़ के कितना सा हो गया, ये पूरा फैला हुआ था। देखिए मसाले भी दिख रहे होंगे आपको जगह जगह पे, और चिकन में मसाले अच्छे से लपेट चुके हैं, अच्छे से बन चुके हैं। अब रेडी हो चुका है ये हमारा तकरीबन। अब देखिए मैं ये तड़का अपने से इसमें लगा रही हूँ। मैंने लिया है 3 से 4 लहसुन को बारीक बारीक चॉप किया है, आधा कांदा मैंने ऐसे काटा है गोल गोल उसे। अभी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, और ऑयल के अंदर वही तावे में जिसमें हमारे चिकन मैंने एक साइड पे कर लिया है, उसी तावे में मैं ऑयल ली हूँ, उसी में मैंने इस तरीके से लहसुन को अपने पका रही हूँ। हल्का ही हमारा लहसुन पकेगा, फिर हमें इसमें ऐड करना है हमारे ऑनियन और हरी मिर्चे। हरी मिर्चों को भी मैंने चीर चीर के दो टुकड़े में कट कर लिया है। अब मैं ऐड करूंगी हमारे हरी मिर्चे, देखिए हरी मिर्चे मैं ऐड कर रही हूँ। आपको जितना स्पाइसी चाहिए आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए आप ये वाला जो ये है, मैं ये बघार दे रही हूँ, आप इसे स्किप कर सकते हैं पूरी तरीके से, आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत, फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा। मैं कांदे को हल्का पकाऊंगी, इसे कच्चा नहीं रखना है। देखिए मैं इसे पका रही हूँ लहसुन और मिर्ची के साथ इस तरीके से, ये और इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल ढाबे की तरह टेस्ट आ जाता है, जो ढाबे पे हम स्टार्टर्स खाते हैं उस तरीके का टेस्ट आ जाता है। पहले जमाने में इसे पत्थर पे पकाया जाता था। ये देखिए मैंने इसमें चीज अपने से ऐड की है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे पत्थर कबाब बता रहे, उस जमाने में चीज कहाँ मिलती थी। नई चीज मैंने अपने से ऐड की है फ्लेवर के लिए। देखिए रेडी है मेरे पत्थर चिकन, अब मैं इसे चटनी के साथ सर्व करूंगी। देखिए पहले मैं आपको ऐसा शो कर रही हूँ चटनी के साथ, ये कैसे दिख रहे हैं पत्थर कबाब हमारे बोनलेस के। आप इसे रोटी के साथ, पराठों के साथ खाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे, कांदे और मिर्ची के तड़के के साथ बहुत टेस्टी लगेंगे। देखिए मैंने पत्थर के ऊपर सर्व किया है, देख पा रहे हैं आप, देखिए ये मैंने सर्व किया है इसे पत्थरों के ऊपर। आइए आप भी खाइए पत्थर कबाब हमारे, आप देख सकते हैं पत्थर को अच्छे तरीके से, मैं आपको घुमा के बता रही हूँ, ये मैंने सर्व किया। चलिए मैं एक बोटी तोड़ के दिखाती हूँ आपको किस तरीके से गल गई है। ये देखिए हमारे चिकन पूरी तरीके से गल गए हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, जूसी जूसी, बहुत ही टेस्टी। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, एकदम जूसी जूसी बनता है। और आपके पास भी इस किस्म के पत्थर होंगे तो इसे पत्थर पे सर्व करके मेहमान के सामने रखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा, एकदम डिफरेंट। मैं इसे और गार्निश करके आपके मिलती हूँ। देखिए मैंने और चीज की भी गार्निशिंग की है इसके ऊपर, कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो रेडी है हमारे पत्थर कबाब। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाजमी 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, उससे आने वाली सबसे पहली रेसिपी आपको जरूर नजर आएगी। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।